हम लोग यहाँ से 3 जन गए हुए थे, मेरे 2 फ्रेंड्स और मैं खुद। हम लोग ने यहाँ वहाँ पे रिसॉर्ट तो बुक किया था, और फिर वहाँ पे हम लोग जब पहुँचे तब अराइवल्स में इमिग्रेशन ऑफिसर ने हमसे कुछ भी नहीं मांगा। मैंने खाली उन लोगों को पासपोर्ट दिया था और होटल की रिसिट दी थी, और बेंगलुरु टू मालदीव्स की टिकट दी हुई थी बस। तब उन्होंने स्टैंप मार के बोल दिया कि तुम जा सकते हो। फिर RT-PCR करवाया होटल में, फिर होटल से जब हम लोग वापस एयरपोर्ट पे आए, डिपार्चर पे आए, फिर बोर्डिंग पास हो गया हमारा। तब इमिग्रेशन के टाइम पे वो लोग ने बोला कि मेरे में रिटर्न टिकट बता रहा है, तुमको रिटर्न ही जाना पड़ेगा ऐसा। बात यह है कि मैंने तो रिटर्न टिकट बताई ही नहीं थी। मेरे 2 फ्रेंड्स थे उन लोग को तो जाने दिया, पर मुझे ये लोग ने नहीं जाने दिया, ये बोल के कि तुम्हारे में तो रिटर्न टिकट बता रहा है, हम लोग तुम्हें नहीं जाने दे सकते। अब मैंने तो उन लोगों को ही रिटर्न टिकट बताई ही नहीं थी अराइवल के टाइम पे, पता नहीं ये लोग क्यों बोल रहे थे। और मैंने बोला कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैंने रिटर्न टिकट बताई नहीं थी क्योंकि आपके ऑफिसर ने मांगी ही नहीं थी। तो वो लोग बोलने लगे कि हम लोग किसी को ऐसा कुछ बोलते नहीं है, सामने से बताना पड़ता, और ऐसे एकदम रूडली बात करने लग गए थे। मेरे साथ जो 4 बंदे थे फंसे हुए थे, सेम ही रीज़न था उन लोगों का, वो लोग से भी इतना रूडली बिहेव किया इमिग्रेशन ऑफिसरों ने। एक को तो फक ऑफ बोल दिया, इमिग्रेशन ऑफिसर ने फक ऑफ बोल दिया था, और दूसरे लोगों को तो ये बोला कि सामने ओशन है, वहाँ पे कूद के मर जाओ, सुसाइड कर लो, फिर भी हम लोग तुम्हें नहीं जाने देने वाले। इतना रूडली बिहेव कर रहे थे, कोई हेल्प करने को तैयार ही नहीं था, और ऊपर से वाईफाई, एयरपोर्ट का वाईफाई कनेक्शन भी नहीं चल रहा था कि हम लोगों को कुछ मदद मिल सके। वाईफाई वालों को बोल के हेल्प सर्विस में बोले तो ऐसा बोलते कि वहाँ जाओ, ऐसे लोकल बैंक्स की तरह काम हो रहा था वहाँ पे एयरपोर्ट में भी। कोई हेल्प करने को तैयार ही नहीं था, इमिग्रेशन ऑफिसर ना तो पुलिस ऑफिसर, सब बोल ऐसा ही बोल रहे थे कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में से ये सब होता है काम। फिर हम लोग बहुत गंदी तरीके से फंसे हुए थे, एक तो खाने पीने के भी पैसे नहीं थे, और वो लोग ने कुछ प्रोवाइड नहीं किया था हमें, और ऑफिसर हो तो इतना रूडली बात कर रहे थे। सीनियर ऑफिसर जो था, जो जिनके कंधे पे 4 स्ट्राइप्स होती है, वो तो हमारी बात सुनने को ही नहीं तैयार हो रहा था। कुछ भी बोलो, वो लोग बस एक ही पॉइंट पे स्टिक होते हैं कि तुमने रिटर्न टिकट बताई है तो तुम्हें हम लोग इंडिया वापस भेज सकते हैं। भाई मैंने तो कोई रिटर्न टिकट ही नहीं बताई थी तुम्हारे ऑफिसर को, और वो लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते कि मालदीव्स के ऑफिसरों ने कोई गलत काम किया हो ऐसा। वो लोग तो ऐसा ही बोलते कि हमारे सिस्टम पता है, हमारे ऑफिसर गलत काम कर ही नहीं सकते, कोई उनसे मिस्टेक ही नहीं हो सकती। अरे भाई इंसान हो, मिस्टेक हो सकती है। मैंने ऐसा भी बोला कि उनसे खुद जाके पूछ लो कि मेरे से मांगी थी या नहीं, सिस्टम में बता ही रहा होगा क्या क्या मांगा होगा अगर रिटर्न टिकट का उन्हें लिखा है तो। वो बोलता है हम लोग ऐसा कुछ काम ही नहीं कर सकते, हमारे ऑफिसर बहुत ही मतलब गलती कर ही नहीं सकते। फिर बहुत रिक्वेस्ट होने के बाद हम लोग को ये डिसीजन लेना पड़ा कि इंडिया ही वापस आ सकते हैं बस, और आगे कुछ हो ही नहीं सकता अब तो। ये है ना कंफ्यूजन भैया, इतना क्रिएट कर दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया। नहीं नहीं भाई, लैम्पटन वाला POE इज टोटली यूजलेस, लैम्पटन वाले बच्चे को यार पागल बनाते हैं। POE इज ओनली इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, दैट्स इन GC की आता है, जो आपको डॉक्यूमेंट 5813 है। लैम्पटन वाला तो यूजलेस है। अच्छा, बात कराओ इमिग्रेशन पे, कराओ बात कराओ तो उनसे बोलो, उनसे बोलो अगर ज्यादा ही इनको ऑथेंटिफिकेशन चाहिए ना तो आप कॉल कर लो CBSA में, यही डॉक्यूमेंट स्कैन होता है। आपकी POE के ऊपर कोई बार कोड बना लैम्पटन वाले पे? माय वॉइस इज एकोइंग। The document that this guy has shown is basically issued by the college. If you want to like confirm, you can call the college. This is valid. And the other document that he's showing that is issued by the government of Canada with the document name IMM5813, that has to be scanned by the Canadian government when he lands in the port of Toronto. So that is the one that you have to check. Please have a look at that. We have a central desk in Amsterdam. Amsterdam, okay. That is in contact with the Canadian Border Police. Okay. So when we have documents and we have the passenger story, those are the people we contact. Okay. And follow their guidelines. Okay. So, in how much time will you be able to contact them?
I contacted them already on his behalf because he told me he's not doing face-to-face, he's doing online classes. And as per CBP, Border Police, they say that they only are now allowing students who have face-to-face classes and not online classes. No, the thing is, I do get you. I do get your point. Okay, may I explain one thing, please? Excuse me. Hello? Yeah, there is an application called ArriveCan, which has the option you can travel even if you're not exempted. As a student, it is not possible now. So please listen to me. It's the same advice I gave the gentleman. Let him try to get a letter from the university to say that he needs to be there as soon as possible. Okay, in case if he misses the flight, then what can be done? I mentioned to him that we can rebook it because there's a code for insufficient documents. So it's like we're expecting him to bring the other documents. Okay, I would like to request you that you can contact the Canadian Border Security Authorities. If you want, I can provide you the contact number of that code. Sorry to interrupt you, but I did already, and the gentleman is aware. Okay. I even shared with him my WhatsApp screen. Okay. I was communicating with somebody and explained properly. Okay. Thank you for time. Parakram chodo. We've told many students and they've done it. Okay. Arey suno. Chodo. Unko nahi samajh mein aayega. Ye pehli baar wala scene hai. Aap udhar se ja rahe ho na. तो कोई स्टूडेंट गया नहीं है. इथियोपिया में भी सेम चीज़ हुई थी पहले डेविड के साथ. तो अभी अभी आप एक काम कर सकते हो. इंटरनेशनल कॉलिंग एक्टिव है आपकी? इंटरनेशनल कॉलिंग एक्टिव नहीं है यार भाई, मेरी तो सेम ही नहीं चल रही यहाँ पे. अरे यार, वो ऐसे जाने नहीं देंगे. एक तो लैम्पटन वाला दिखाना नहीं चाहिए था आपको लेटर. सेकेंडली क्योंकि पोर्ट ऑफ एंट्री उनको लग रहा होगा कि वो कौन से मंथ का इशूड है वो आपको पीओई लैम्पटन का. इसी साल का है ना? हाँ, बट वो ठीक है. कोई वैसे भी वो यूजलेस ही होता है. वो उसके चक्कर में फंस जाओगे क्या? वो डिले, बट वो रीबुक जो करके देगी, लाइक दे विल बी चार्जिंग एक्स्ट्रा स्टे एंड ऑल. हाँ, करेंगे ना, वो तो चार्ज एक्स्ट्रा ही करेंगे. अब क्या कर सकते हैं, रीबुक करूं इसे या होल्ड पे कर दूं अभी थोड़े दिन के लिए? एक काम करो, उनको बोलो CBS से कॉल करो. उन्होंने बोला कि एम्स्टरडेम में वो इनका कुछ चेक पॉइंट है जो भी है, वहाँ पे बात कर रहे हैं. ये इथियोपिया में भी ऐसे पागल बनाते कि व्हाट्सएप पे बात हो रही है, वो अपने बंदों के साथ ही बात करते रहते हैं लोग. तो मेन पॉइंट CBS से रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है, बट उनको आप कॉल करके बोल सकते हो कि हाँ ऐसे ऐसे स्टाफ. हाँ हाँ बोलो. इनको बोलो कि IRCC कॉल करने को, या फिर इस समय IRCC कुछ नहीं कर सकता. CBSA को आपको जाके इंटरव्यू देना है अपना स्टडी परमिट के लिए, राइट? तो कॉल CBSA राइट नाउ, उनसे पूछो जो आप अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करते हो, ये वाला अपना POE जो GCK में आया है, लैम्पटन वाला छुपा के बैग में डाल दो, उसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है. ना दैट्स, वो मेरा एक्सपायर हो गया, उसको छोड़ दो, वो अब उसकी जरूरत नहीं है. क्योंकि बेसिकली DLI लिस्ट वाला ड्रामा है, वो लैम्पटन ने अपना मार्केटिंग पॉलिसी किया हुआ है. ठीक है, तो आप इनको अपना GCK वाला जो IMM 5813 आया हुआ है वो दिखाओ. उनको बोलो ये CBSA को भेजो और उनसे पूछो कि ये डॉक्यूमेंट के साथ कैन आई ट्रैवल. वो यस भेजेंगे इंस्टेंटली कॉल पे. आप इनसे ये भिजवाओ. ठीक है, हम कॉल करो. हाँ जी, बाय. हाँ, सो मेरी फ्रेंड अभी वो कल ही ट्रैवल की, वो पहुँची है टोरंटो कल. सो उसने क्या किया था कि इंडिया से कैनकन से टोरंटो, सो इंडिया मेक्सिको टोरंटो. नाउ फ्रॉम इंडिया देयर वाज फ्लाइट मुंबई टू पेरिस, पेरिस टू कैनकन, कैनकन टू टोरंटो. पेरिस में 10 आवर्स से ज़्यादा का लेओवर होता है एयर फ्रांस का, बट पेरिस में लॉन्ज ले सकते हैं. नहीं तो बाहर भी बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे आप चिल कर सकते हैं, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, टाइम निकल जाता है. बट चार्जिंग पॉइंट्स थोड़े कम है, तो उसका एक ध्यान रखना अगर आप लोग वहाँ से ट्रांजिट कर रहे हो तो. सेकेंडली, एयर फ्रांस को कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए नहीं होता है, सिर्फ आपको ऑफर लेटर, कैनेडियन स्टडी वीज़ा और आपकी कोविड रिपोर्ट ऑफकोर्स इंडिया से. और आपने उनको बताना है कि आई एम ऑन अ स्टडी परमिट, मेरे पास कैनेडियन वीज़ा है, तो मेक्सिको सिटी के लिए वीज़ा एग्जेम्प्ट है. हमें वीज़ा कुछ लेना नहीं होता, बस एक इमिग्रेशन फॉर्म भरना होता है. वो उनकी वेबसाइट पे आपको मेक्सिको के मिल जाएगा, IMM ऐसा कुछ उस फॉर्म का नाम रहेगा. एंड यू जस्ट हैव टू फिल बेसिक डिटेल्स, और कुछ उसको सेंड नहीं करना है, सिर्फ उसको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है.
देन पेरिस से वापस मेक्सिको में इमिग्रेशन पे आपको कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपको हर जगह यही कहना है कि मेरा स्टैम्प कैनेडियनस का है इसलिए वीज़ा एग्जेम्प्ट है मेक्सिको सिटी में। फिर आप कैनकन एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अब आप चाहिए तो होटल यहीं से बुक कर सकते हैं या तो वहां जाके भी आप कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू, क्योंकि कोई प्रूफ मांगता नहीं है होटल का। और वीज़ा फॉर्म में भी जो लिखना है आप उसमें कुछ भी होटल लिख सकते हैं, जैसे आप जिधर जाने वाले हैं। तो मेरी फ्रेंड ने booking.com से सिटी स्वीट्स रिवेरिया एरोपोर्टो होटल को बुक किया था, उसमें दो है, उनके स्वीट्स वाले हैं और एक नॉर्मल रूम्स वाले, आप कुछ भी बुक कर सकते हैं। और कॉस्ट 3 डेज़ का 3 नाइट्स का 27,000 रुपीज़ आया था और पे ऑन अराइवल था, तो अब जब आप होटल पहुंचेंगे तब आपको पे करना है। बट एक बात ध्यान रखना कि मोस्टली लोग स्पैनिश बोलते हैं कॉल सेंटर्स में भी उनके होटल्स के, तो थोड़ा कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी होगी, तो booking.com के वाया कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल के वाया कम्युनिकेट कर सकते हैं आप। और उनसे 24 आवर पहले एयरपोर्ट से शटल की रिक्वेस्ट कर लेना कि इतने बजे मैं आऊँगा, शटल कहाँ से कौन से गेट से मिलेगी, वो सब आप पूछ लेना उनको, नहीं तो डिफ़िकल्टी हो जाएगी। और अगर आपको शटल नहीं मिले तो आप फिर $30 दे के आप जा सकते हैं। वैसे तो मेक्सिको सिटी की करेंसी पेसोस है, बट यू कैन कैरी $ व्हिच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एवरीवेयर। ऑल्सो अपने पास मेक्सिकन पेसोस रखे हो सके तो फॉरेक्स से चेंज करा लो जाने से पहले, वहाँ पे रेट्स उतने अच्छे नहीं है, बट एट द लास्ट बेट वहाँ पे भी है, कैनकन एयरपोर्ट पे भी फॉरेक्स है। देन वंस यू रीच वहाँ पे भी, मेरी फ्रेंड 5 डेज़ रुकी थी, अब आपको देखना पड़ेगा आपके बीच में कितना गैप है फ्लाइट्स का, क्योंकि एयर कैनेडा की फ़्लाइट्स बहुत कम है जो ऑपरेट हो रही है कैनकन सिटी से टोरंटो के लिए, तो आप उस हिसाब से अपना गैप रखें। और अपना कोविड टेस्टिंग भी होटल अरेंज करेगा, बट मेक श्योर दैट आप उसको एटलीस्ट 48 आवर्स पहले तो कर ही लें, क्योंकि रिपोर्ट आने में काफ़ी टाइम लग सकता है। लाइक मेरी फ्रेंड की फ़्लाइट अगली मॉर्निंग थी और उसको रात में 9 बजे रिपोर्ट मिली थी। सो ऐसा एज टू एज मत चलना, कीप इनफ टाइम फॉर यू एंड देन व्हाट एल्स। या इवन एट मेक्सिको एयरपोर्ट कोई आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा नहीं इमिग्रेशन का, इनफैक्ट कोई रहेगा ही नहीं इमिग्रेशन काउंटर पे, अगर रहा तो भी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेगा आपको, जस्ट बता देना है कि स्टडी वीज़ा है, परमानेंट रेसिडेंस है, जो भी है, और आपके पास मैंडेटरी होटल बुकिंग है, बट अगर आप वैक्सीनेटेड हो कोविशील्ड से तो आप एग्जेम्प्ट हो, जो भी आपको उनको सिचुएशन एक्सप्लेन कर देना है। एंड टोरंटो एयरपोर्ट पे भी सेम थिंग, ज़्यादा कोई इमिग्रेशन पे पूछेगा नहीं, अगर कोई पूछे कि इस टाइम पर ट्रैवल एसेंशियल क्यों था, सो जस्ट मेक श्योर टू टेल देम कि टाइम जोन का इशू था, हेल्थ पे अफेक्ट हो रहा था इसलिए था। डोंट गिव टू मच इन्फॉर्मेशन, डोंट लाई, जस्ट से कि ये इशू था, ऐसा नहीं कहना है कि जॉब करनी थी, ये करना था, वो करना था, वो सब नहीं, जस्ट से द जेन्युइन रीज़न कि यू आर अ स्टूडेंट एंड आपको एग्जाम्स वगैरह 4 AM को देने के लिए डिफिकल्टी हो रही थी, इसलिए आपका ट्रैवल एसेंशियल था एट दिस टाइम। बिकॉज इवन आफ्टर जो ये हटाए रूल वैक्सीनेशन का, योर ट्रैवल शुड बी नॉन डिस्क्रेशनरी, देन ओनली यू शुड ट्रैवल। सो दैट इज़ इट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट ask me via wherever you're reading and I'll try my best to inform everyone. हेलो फ्रेंड्स, छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और कनाडा वापस जाने का टाइम आ गया है। एज़ यू ऑल नो कनाडा की डायरेक्ट फ़्लाइट्स बंद हैं, तो हम मेक्सिको के थ्रू जाएंगे। आज शाम की हमारी फ़्लाइट है दिल्ली से मुंबई विस्तारा, मुंबई से वाया फ्रैंकफर्ट टू मेक्सिको सिटी लुफ्तांसा। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि एयरपोर्ट पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे और क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स फेस होंगी। साथ ही हम शेयर करेंगे अपनी ट्रैवलिंग की जर्नी कैसी रहेगी, और मेक्सिको में 2 दिन का स्टे है तो वहाँ आसपास थोड़ा घूम फिर लेंगे, और वहाँ का जो हिस्टोरिक सेंटर है वहाँ पर होटल बुक किया है तो वो एरिया भी आपको दिखाएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इंडिया में बहुत दिन मौज कर लिए, अब जाके अपनी जॉब वगैरह शुरू करते हैं। समायरा को भी यहाँ पर तो इतने फैमिली वाले हैं खेलने के लिए और वहाँ पर इतने नहीं मिलेंगे। न्यू इमिग्रेंट्स के लिए थोड़ा टाइम लगता है सर्कल बनाने में, और इंडिया की सोशल लाइफ तो बेटर है ही। स्विमिंग कर रही है फर्स्ट पे।
घर पे ज़्यादा वी लॉगिंग नहीं की क्योंकि थोड़ा इमोशनल सा सीन हो जाता है आते हैं तब। खैर अभी 1 बजे मंगलम लैब्स हिसार से RT-PCR टेस्ट कराया है जिसकी रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। गुड़गांव द साइबर सिटी। अभी पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर और यहां से हमारी फ़्लाइट है विस्तारा की, मुंबई के लिए 3 घंटे बाद की फ़्लाइट है। और अभी थोड़ी देर यहां खड़े होके सेल्फी वगैरह ले लेते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं, थोड़ी बातें मार लेते हैं। समायरा का भी मन नहीं कर रहा है जाने का। इट्स टाइम टू से गुड बाय। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर, चेक इन करते हैं और अपने बोर्डिंग पास ले लेते हैं। चेक इन हो गया और सिक्योरिटी हो गया, इमिग्रेशन मुंबई जाके होएगा। चेक इन पे सिर्फ हमारे पासपोर्ट देखे और कोविड की रिपोर्ट देखी क्योंकि ये लोकल फ्लाइट है, तो आगे का ज़्यादा कुछ नहीं पूछा क्योंकि मुंबई जाके दोबारा लुफ्थांसा में चेक इन करना पड़ेगा। बट बैगेज डायरेक्ट मैक्सिको सिटी तक के लिए यहाँ पर चेक इन हो गया है। सिक्योरिटी पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा और कोई प्रोहिबिटेड आइटम नहीं होना चाहिए और 100 ml से ज़्यादा की कोई पैकिंग नहीं होनी चाहिए लिक्विड की। गेट नंबर 39 जहाँ से हमारी फ्लाइट है। फ्लाइट रेडी है, अभी आधा घंटा है और बोर्डिंग शुरू हो गई है। बोर्डिंग के टाइम सिर्फ बोर्डिंग पास देखे और जो बोर्डिंग पास है वो उन्होंने अपनी मशीन में स्कैन किए और कुछ नहीं देखा। फ्लाइट में बैठ गए हैं, सीट्स आर लुकिंग कंफर्टेबल और सिर्फ 2 घंटे की फ़्लाइट है जिसमें से 1 घंटा तो टेक ऑफ और लैंडिंग में भगवान के नाम लेने में निकल जाता है। टेक ऑफ हो गया है और ये है दिल्ली का नज़ारा रात के 9 बजे का, जगमगाती दिल्ली। और थोड़ी देर में खाना आ गया और बॉक्स पे लिखा है व्हाट्स इन द बॉक्स इज आउट ऑफ द बॉक्स और बॉक्स से निकला ये, लेकिन ठीक था, टेस्टी था। 2 घंटे का तो पता ही नहीं चला और मुंबई पहुंच गए। मुंबई द माया नगरी, फ्लाइट से तो बड़ा शानदार नज़ारा है। रात को सोते नहीं गए ये लोग, रात के 11 से ऊपर का टाइम हो गया और ये तो पूरा ऐसे ही जगमगा रहा है शहर। फाइनली लैंडेड ऑन मुंबई एयरपोर्ट। हम छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 2 पहुंच गए हैं और फ्लाइट में जो सेंटर सीट पर बैठता है उसे ये सेफ्टी किट पहना देते हैं ताकि कोविड एक दूसरे से ना फैले। विस्तारा की बढ़िया फ्लाइट थी, क्वाइट कंफर्टेबल। अब जाएंगे लुफ्तांजा में चेक इन करना है। डिपार्चर्स पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पर अलग अलग फ्लाइट्स के काउंटर्स हैं। भीड़ बहुत है यहाँ तो, ये तो लुफ्तांजा की लाइन ही बहुत लंबी लगी हुई है। चेक इन हो गया यहाँ पर, मैक्सिको के लिए FMM फॉर्म और हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करवाया
कोविड रिपोर्ट देखी जो कि जर्मनी पहुंचने से 48 आवर्स के विदिन होनी चाहिए। मैंने लुफ्तांजा में फ़ोन करके पूछा था, तब उन्होंने 72 आवर्स बोला था, बट यहाँ पर वो 48 आवर्स मांग रहे हैं। बाई चांस हमारी विद इन 48 आवर्स थी, आलस कई बार काम आ जाता है। इसके अलावा चेक इन पर हमारे पीआर कार्ड्स देखे, मैक्सिको की होटल बुकिंग देखी और मैक्सिको से कनाडा की फ्लाइट्स बुकिंग देखी। चेक इन के बाद सिक्योरिटी हुआ और फिर इमिग्रेशन चेक हुआ और इमिग्रेशन पर ये पूछा कि आप कनाडा जाओगे मैक्सिको के थ्रू, तो हमने कहा हाँ, तो हमारे पासपोर्ट्स देखे, समायरा का इंडिया का वीज़ा देखा और हमारे पीआर कार्ड देखे। बस गेट पर पहुंच चुके हैं और अभी 2 घंटे बाकी हैं, 2 घंटे यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा। बोर्डिंग शुरू हो गई है यहाँ पर, बोर्डिंग पास स्कैन किए, फिर एक्सरे मशीन में से बैग स्कैन किए, सिक्योरिटी चेक किया और फिर अभी जा रहे हैं फ्लाइट के अंदर। ये लुफ्तांजा की फ़्लाइट मुंबई से फ्रैंकफर्ट तक की है, 9 घंटे का ट्रैवल टाइम है इसका, काफ़ी बड़ा प्लेन है और लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है सीटों के आगे। ये दुबई के आसपास कोई शहर है और दुबई के ऊपर से भी आया था प्लेन, उस टाइम हम सो रहे थे। और खाना आ गया है, हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन से ही वेजिटेरियन एशियन इंडियन मील सेलेक्ट कर लिया था, तो ये हमारे लिए अब वेजिटेरियन खाना ही देंगे। जर्मनी पहुंचने वाले हैं और ये रास्ते में शायद स्विस एल्प्स हैं। अभी लैंडिंग की तैयारी चल रही है, फ्लाइट नीचे की साइड आ रही है और एयर प्रेशर चेंज हो के ये बोतल भी चिकुड़ गई है एकदम। फ्रैंकफर्ट के आसपास पहुंच चुके हैं और ये फ्रैंकफर्ट के आसपास के खेत और गांव हैं। कैमरे में शायद इतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वैसे देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है ये पूरा एरिया। और ये खेतों में विंड मिल्स चल रहे हैं और यहाँ पर शायद हवा ज़्यादा चलती होगी। हमारी आगे की फ़्लाइट डिफरेंट टर्मिनल पे है और उसके लिए यहाँ पर ये मेट्रो का सिस्टम बना रखा है एक टर्मिनल से दूसरे जाने के लिए। और फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, यूरोप के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक है। यहाँ पर इंटरनल ट्रांजिट में भी हमारा फिर से सिक्योरिटी चेक हुआ और काफ़ी डिटेल में सिक्योरिटी चेक करते हैं, पूरी बॉडी का एक्सरे किया और एक एक चीज़ बाहर निकलवा के चेक की। बोर्डिंग पास यहाँ के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर ही मिल गए थे और यहाँ पर बस सिक्योरिटी चेक हुआ है। बोर्डिंग शुरू हो गई है और काफ़ी भीड़ है, बट सीनियर सिटीजन्स को और जिनके साथ इन्फेंट्स हैं उनको पहले बुलाया है, तो हम जा रहे हैं। काफ़ी बड़ा प्लेन है और अच्छा स्पेशियस भी है। फ्रैंकफर्ट से मैक्सिको के लिए मैंने एक्स्ट्रा लेग रूम वाली सीट्स बुक कर ली थी, जिसके 2 सीट्स के 17,000 रुपये एक्स्ट्रा लगे। आगे की सीट मिल गई जिसमें कि बहुत ही अच्छा खासा लेग रूम है, नीचे सामान भी रख सकते हैं, बेबी को खड़ा कर सकते हैं और पैर सीधे कर सकते हैं। मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है और फ्रैंकफर्ट से मैक्सिको सिटी 12 घंटों की फ़्लाइट है और 9 घंटे मुंबई से फ्रैंकफर्ट के लग गए तो काफ़ी परेशान हो जाते, इसलिए फिर हमने ये आगे लेग रूम वाली सीट बुक कर ली और काफ़ी कम्फर्टेबल लग रही है अब, तो अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए 12 घंटे में। और 12 घंटे की लंबी फ़्लाइट के बाद हम पहुंच चुके हैं मैक्सिको सिटी और प्लेन ऐसे टेढ़ा होता है तब थोड़ा डर भी लगता है और एडवेंचरस भी लगता है।
अभी लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं। ये मैक्सिको सिटी का नज़ारा है ऊपर से। मैक्सिको पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पहले इमिग्रेशन हुआ, फिर कस्टम क्लियरेंस हुआ। इमिग्रेशन में फ़्लाइट में ही एक फॉर्म दिया था, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, वो फिल किया था। वो इमिग्रेशन वालों ने वो फॉर्म का आधा पार्ट रखा और आधा सेफ रखना चाहिए, वापस जाएंगे तब काम आएगा। इसके अलावा अपना पीआर कार्ड देखा, फ़्लाइट की होटल की बुकिंग्स देखी और पासपोर्ट्स बस। और कस्टम क्लियरेंस में जिनके पास एक लिमिट है इनकी, उससे ज़्यादा का अगर कोई सामान हो वैल्यू का तो उन्हें डिक्लेयर करना पड़ता है। और हमने कोई ऐसा था नहीं तो कुछ डिक्लेयर नहीं किया, तो हमारा डायरेक्ट एग्ज़िट हो गया। और अभी हम जा रहे हैं होटल, होटल गिलो बुक किया है हमने, जो हिस्टोरिक सिटी सेंटर है उसके बीच में है ये होटल, और उसके आसपास ही घूमने फिरने की जगह है। तो 2 दिन यहाँ पर हैं तो हमने सोचा थोड़ा घूम फिर लेंगे आसपास, तो इसलिए ऐसी जगह पर होटल बुक किया है। इमिग्रेशन वालों ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, आर यू गोइंग टू कैनेडा, और कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, अपने को स्पेनिश नहीं आती। होटल पहुंच चुके हैं। ये हमने booking.com से रिज़र्व किया था, 12,000 Indian rupees फॉर 3 nights, और ये एक 4-star होटल शो कर रहा था उस पर। और ये पूरा एरिया हिस्टोरिक सिटी सेंटर है, और ये होटल खुद 125-150 साल पुराना है, ये खुद एक हिस्टोरिक बिल्डिंग है। और यहाँ से विंडो का व्यू भी काफ़ी मज़ेदार है, ये मान लो डाउनटाउन है यहाँ का, मैक्सिको सिटी का। नेक्स्ट वीडियो में आसपास का एरिया घूमेंगे, हिस्टोरिक प्लेसेस घूमेंगे, दिखाएंगे आपको। Please subscribe and press the bell icon. Thanks for watching. Take care. Goodbye. Hello friends, this is part 2 of video. और इस वीडियो में मैक्सिको से कनाडा के ट्रैवल के बारे में बात करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी प्रोसेस है, जो भी क्वेश्चंस हैं, सबके बारे में बात करेंगे। हमने कोविड टेस्ट AJ लैब्स से करवाया है, जो गेट नंबर 5 और 6 के बीच में है एयरपोर्ट पर। एक लैब बाहर भी है, वो थोड़ी महंगी है, हमने करवाया है वो 2,000 Mexican peso पर हेड पड़ा हमें। रिज़ल्ट 18 से 24 घंटे बोलते हैं वो, और 15-20 घंटे के बीच में टाइम ले लेते हैं। होटल वाले भी टेस्ट अरेंज करवा देते हैं, और बाहर भी कई लैब्स हैं, बट एयरपोर्ट से ही करवाना, क्योंकि बाहर फ्रॉड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पर अभी रात के 2 बजे हैं और हम होटल से चेकआउट कर रहे हैं। 6 बजे की फ़्लाइट है और 3 घंटे पहले पहुंचना चाहिए। फ़्लाइट ने 2 घंटे पहले बोला था, बट कई बार भीड़ हो जाती है चेक इन के टाइम, और उसके लिए हमने ऊबर बुक की है। मैक्सिको में खाने के लिए ऊबर ईट्स भी है और ऊबर ट्रैवल करने के लिए, दोनों सही हैं। अपना कार्ड ऐड करके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज करवाओगे तो वो बहुत ज़्यादा पैसे काटते हैं, 15-20%, और कार्ड से पे करोगे तो 3% है शायद। खाने की बात करें तो यहाँ पर नॉन वेज है ज़्यादातर। वेजिटेरियन के लिए एक तो इंडिया टाउन नाम से एक रेस्टोरेंट है जो प्योर वेजिटेरियन है, और उस पे अपना इंडियन कुजीन खाना मिलता है।
इसके अलावा एक वीगन रेस्टोरेंट है जिस पे सब अपने इंडिया का तो नहीं मिलता लेकिन पूरा वीगन खाना उस पर मिलता है, और एक दिल्ली दरबार नाम से है जिस पे वेज और नॉन वेज दोनों मिलते हैं और इंडिया के कुजीन है। अभी एयरपोर्ट जा रहे हैं, रात के 2:30 बजे है, बिल्कुल सुनसान है, सिर्फ नाइट क्लब्स के आगे थोड़ी बहुत हलचल दिख रही है और हर एक नाइट क्लब के आगे पुलिस भी खड़ी है टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए। चेक इन की लाइन में बहुत भीड़ है भाई, लाइन आगे तक घूम के यहाँ आ रही है, इसीलिए थोड़ा जल्दी आना चाहिए। मैक्सिको में एंट्री के टाइम जो FMM फॉर्म भरते हैं वही स्टे परमिट होता है, विजिटर परमिट होता है, और जब एग्जिट करते हैं कंट्री तो वो वापस जमा करवाना होता है। एंट्री के टाइम एक हिस्सा उसका वो रख लेते हैं, दूसरा संभाल के रखना चाहिए। टेक ऑफ हो गया है और मैक्सिको के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर सनराइज का बहुत ही अद्भुत विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है। कवि फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहता और बस ये अद्भुत दृश्य देखने में व्यस्त रहना चाहता है बस। वाओ, इट्स अमेजिंग, अब तक का सबसे बढ़िया व्यू। मैक्सिको सिटी के आसपास का एरिया पूरा पहाड़ी एरिया है और मैक्सिको सिटी बीच में एक प्लेन वैली है उसमें बसा हुआ है, पूरा शहर का एरिया लगभग प्लेन है। मैक्सिको कंट्री अपने ब्यूटीफुल बीचेस के लिए और हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए फेमस है और जो मैक्सिको सिटी है यहाँ पर मोस्टली हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। अभी हम US के ऊपर से उड़ रहे हैं और फ्लाइट थोड़ी देर में लॉस वेगस के ऊपर से जाएगा और वो पूरा एक डेजर्टेड एरिया है और एक साइड उसके लेक है, बाकी साइड लगभग डेजर्ट ही है और बीच में शानदार लॉस वेगस सिटी बसा हुआ है। ये सिटी मेरे ख्याल में कैसिनोज के लिए और अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स, मौज मस्ती, इन सब के लिए ही फेमस है। आएंगे कभी US का वीज़ा लेने के बाद। और US के ऊपर से उड़ते हुए ये एक नई चीज़ देखने को मिली, ये बहुत बड़े बड़े खेत हैं सर्कुलर शेप में। ये एक्चुअली एक सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम होता है जो कम पानी वाले एरियाज़ में सिंचाई का सिस्टम होता है एक, और जो कम पानी में एक अच्छे खासे एरिया में सिंचाई करके बढ़िया फसल पैदा कर सकते हैं। अभी सिएटल के पास पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर अच्छा पहाड़ी एरिया शुरू हो गया है और बर्फ़ से पहाड़ अभी भी ढके हुए हैं। और ये है माउंट रेनियर जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है और ये सिएटल के ईस्ट साइड है। सिएटल पहुंच चुके हैं, यहाँ से बस आधे घंटे की फ़्लाइट और है और इन्होंने लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी है, फ़्लाइट नीचे आना शुरू हो गई है। बाय रोड तो सिएटल का रास्ता वैंकूवर से 2 घंटे का ही है और फ़्लाइट से तो सिर्फ आधा घंटा ही लगता है। ये साउथ सरी का एरिया है समंदर के लगता हुआ और इसके साथ ही ये सरी का एरिया है फ्रेजर रिवर के साथ साथ। ये डेल्टा के खेतों का ऊपर से नज़ारा। फाइनली लैंडेड इन कैनेडा, हम पहुंच चुके हैं वैंकूवर एयरपोर्ट। तीस घंटे का इंडिया से मैक्सिको सिटी और फिर 6 घंटे का मैक्सिको सिटी से वैंकूवर का ट्रेवल करने के बाद फाइनली इन कैनेडा हम आ चुके हैं हमारे गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एकोमोडेशन के होटल पर। यहाँ पर 3 नाइट्स का स्टे है, ये है एग्जेक्टिव प्लाजा वैंकूवर एयरपोर्ट होटल और यहाँ लगे हैं $1200 के लगभग 3 नाइट्स के तीनों के। एयरपोर्ट पर सबसे पहले एक ऑटोमेटिक कायोस्क मशीन में हमारे PR कार्ड स्कैन किए और समायरा का पासपोर्ट स्कैन किया क्योंकि वो कनाडा का पासपोर्ट है, और उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चंस आए, कोविड से रिलेटेड कोई सिम्टम्स तो नहीं है और
कस्टम्स में आप कुछ डिक्लेयर करना चाहते हैं क्या? तो हमारे पास ऐसा कोई कमर्शियल आइटम्स नहीं थे जो डिक्लेयर करने लायक हों, ना हमारे पास ज़्यादा कैश था तो हमने कुछ डिक्लेयर नहीं किया। उसके बाद इमिग्रेशन हुआ, इमिग्रेशन में हमारे पीआर कार्ड देखे, पासपोर्ट देखे, होटल की बुकिंग देखी, कोविड रिपोर्ट देखी और टिकट्स देखी और क्वेश्चंस पूछे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे कि इंडिया में कब गए थे, कहाँ रुके थे इंडिया में, ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे। इट वाज रियली इजी। ये है हमारा होटल रूम। तो इमिग्रेशन के बाद फिर हमने अपने बैग्स कलेक्ट किए वहाँ पर, फिर एक उन्होंने प्रॉपर पाथ बना रखा है और उसके बाद हमारा ऑन अराइवल कोविड टेस्ट हुआ। कोविड टेस्ट के लिए हमने प्री रजिस्टर कर रखा था, उससे हमारा थोड़ा टाइम बच गया। कोविड टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है एयरपोर्ट पर और उसकी रिपोर्ट कल तक आ जाएगी और फिलहाल हमें जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक होटल में रहना पड़ेगा। वैसे 3 नाइट्स के लिए पे किया है, अगर रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो हम बीच में भी जा सकते हैं लेकिन पैसे 3 नाइट्स के ही लगेंगे, कोई रिफंड नहीं है। एयरपोर्ट से हमें होटल की शटल मिल गई थी, वहाँ पर बता देते हैं कि कहाँ पर मिलती है शटल। और अगर आपके होटल की शटल नहीं आती तो आप रेगुलर टैक्सी करके आना, ऊबर करके मत आना, रेगुलर टैक्सी के पैसे आपको रिफ़ंड हो जाएंगे होटल की तरफ से, क्योंकि क्वारंटाइन पैकेज में ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड इंक्लूडेड होते हैं होटल के पैसों में। कैसे लेट मार रही है ये भी, गोदी में तंग होगी बेचारी, मुश्किल से बेड मिला इसे भी। समायरा, ये लंच आया है होटल की तरफ से, हमने वेजिटेरियन का उनको बोल दिया था कि हम वेजिटेरियन हैं तो उसी के अकॉर्डिंग खाना आया है। और ये डिनर आया है, वैसे इंडिया से कुछ ना कुछ बनवा के लाना चाहिए, हम तो मालपुए लड्डू और मट्ठी बनवा के लाए थे और मैक्सिको में भी बहुत काम आए क्योंकि वहाँ पर वेजिटेरियन खाना मिलना बहुत मुश्किल होता है। होटल बुकिंग 3 दिन की थी लेकिन दूसरे दिन हमारी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो हम आज ही घर जा रहे हैं, होटल के काउंटर पर जाना है और हमारी नेगेटिव रिपोर्ट दिखा के चेकआउट करना है। घर जाने के लिए हमने ऊबर बुक की है, ऊबर एक्सेल, सामान बहुत था, काफ़ी बड़ी गाड़ी है, सही है। यहाँ से घर का रास्ता लगभग 20-25 मिनट की ड्राइव होगी। अभी होटल रिचमंड में है और हमें सरी जाना है। सरी पहुंच चुके हैं, कितनी हरी भरी ब्यूटीफुल सिटी लग रही है। अभी घर पहुंच चुके हैं और बाकी का 12 दिन का क्वारंटाइन यहीं पर करना है।
एक किट दी है एयरपोर्ट पर उन्होंने, और आठवें दिन वो टेस्ट करके उन्हें सेंड करनी है। सारी इंस्ट्रक्शंस उस किट में लिखी हुई है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।